खाई में बस गिर गई, जिससे अनेक अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कई घायल हुए हैं। उन सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है। सभी को भेजा गया है, सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं जो भी इस घटना से संबंधित हैं। कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि घायलों को तत्काल जो है इलाज मिले, जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक हो, और इसके लिए सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है। सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं, हमारी चीफ सेक्रेटरी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं और घायलों के साथ सरकार खड़ी है, जो इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके साथ भी, उनके परिवारजनों के साथ भी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो इस दुखद घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को, जो आकस्मिक रूप से इतना बड़ा कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और घायलों को जल्दी भगवान उनको उचित उपचार भी मिले और जल्दी ही वो स्वस्थ हों। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और जल्दी से जल्दी, लगातार हमारा प्रयास है कि कहीं पर अगर हेली एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो हेली एम्बुलेंस के लिए भी वहाँ पर कह दिया गया है, जो गंभीर रूप से घायल होंगे उसको तत्काल इमरजेंसी में अस्पतालों तक पहुँचाया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।